हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम इस वीडियो में वर्चुअल मशीन को हम स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसको ऑटोमेटिक क्रिएशन पे भी लगा सकते हैं, और कैसे उसमें अगर हमको NIC ऐड करना हो, डिस्क ऐड करना हो, मेमोरी बढ़ाना हो, और इंस्टॉल सेट्रिक्स वर्चुअल मशीन टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर जरूर करें। अब देखिए, मेरे पास एक सिनेरियो है जो मैं थ्रू आउट पूरे वीडियोस इसी को यूज़ कर रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम कैसे इस सर्वर पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस जगह पे कैसे रखते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारा स्टोरेज सर्वर है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसको कैसे ISKCSAN सर्वर कॉन्फिगर करते हैं। ठीक है, और यहाँ वर्चुअल मशीन बनाया है तो उसको यहाँ रख सकते हैं, किसी अदर लोकेशन पे भी रख सकते हैं, तो मैंने इस सर्वर पे रखा है। अब जो वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पे बनाई थी, इस पर उसको अगर हमको ऑटो स्नैप कॉन्फिगर करना हो या उसकी रैम बढ़ाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। और अब ये आप देख लीजिए, ये मेरा पूरा इंफ्रा ऑन है, ये एक्टिव, ये होस्ट वन है, होस्ट मतलब Zen 1, जहाँ पे हमने एक मशीन डिप्लॉय करी है लास्ट वीडियो में। ये एक्टिव डायरेक्टरी है, जहाँ पे कंसोल पे ये मशीन भी है, और बाकी की मशीन की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, हमने Zen सेंटर के हेल्प से इसको मैंने मशीन को कनेक्ट कर लिया है, मतलब सर्वर को कनेक्ट कर लिया है, उस सर्वर पर ये मशीन क्रिएटेड है। ठीक है, ये मशीन अभी चल रही है। अगर आप देखेंगे तो इसको सब कुछ, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें इसको डिप्लॉय किया है Win7। एक चीज़ बस इसमें आपको अलग लगेगी, ये 32 बिट और 64 बिट, मैंने जो अपलोड किया था जब इस पर इसको इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने इमेज 32 बिट की ली थी, लेकिन यहाँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इमेज चली नहीं थी तो मैंने इसको पॉज करके इमेज चेंज कर दिया था। 4 GB रैम है और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ये विंडोज 7 की DVD लगी हुई है, और ये हमने इसको स्पेस दिया है 24 GB, और बाकी की चीज़ें। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से IP वगैरह दे सकते हैं, जैसा हम फिजिकल मशीन पर काम करते हैं वैसे ही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे अगर आप IP देना है IP दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ 192.168.0.50, इसको IP एड्रेस दे दिया मैंने 192.168.0.1, इसको ये दे दिए, और 192.168.0.10 मैंने इसका एक्टिव डायरेक्टरी का IP एड्रेस दे दिया। तो एक बार चेक करते हैं ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे आप लिखिए पिंग, सॉरी CMD पिंग 192.168.0.10। अरे, ये रिप्लाई मिल रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट हो रहा है ये। ठीक है, और इसके बाद में अब सपोज आपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लिया, आप इसको एक स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं, स्नैपशॉट मतलब इसकी कॉपी, तो वो कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल। देखिए, इसी वर्चुअल मशीन पर जाइए आप, ठीक है, या तो फिर इस सर्वर पर पहले आप देखें तो ये सर्वर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सर्वर पर अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कुछ करना है इस मशीन पर, तो इस मशीन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि ये जनरल आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल इनपुट आउटपुट ड्राइवर अगर यहाँ से करना है तो ये मैनेजमेंट कंसोल है, ओके। और मेमोरी, तो अभी हम इसका स्नैपशॉट देखते हैं, क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम फोर्स शट डाउन कर सकते हैं, फोर्स रिबूट कर सकते हैं, टेक स्नैपशॉट। तो ये स्नैपशॉट का नाम आप ले लीजिए, सपोज आज क्या है, मार्च 1 का हमने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कर दिए और 2020। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, स्नैपशॉट द वर्चुअल मशीन डिस्क। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कुछ आप जो डिस्क्रिप्शन देना है वो कर सकते हो। तो अब इसको टेक स्नैपशॉट करेंगे तो देखिए, इसका स्नैपशॉट, क्रिएटिंग स्नैपशॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और स्नैपशॉट इसका क्रिएट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप यहीं पे जाइए स्नैपशॉट्स पे, तो ये आपको एक स्नैपशॉट मिल गया है यहाँ पे। ये दिखा रहा है, ठीक है,
स्क्रीन। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है इस मशीन का। इसकी प्रॉपर्टी में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, जनरल यही दिख रहा है, नाम दिख रहा है और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, फ्लैग वगैरह। दूसरा इसको डिलीट करना हो, कुछ और कुछ करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देख रहे हो रिवर्ट टू, रिवर्ट टू पे क्या है, आर यू वॉन्ट टू रिवर्ट, इसको किसी बैक पॉइंट पे अगर हमको लेके जाना है, सपोज अभी मेरे पास एक मिनट बढ़ गया तो एक मिनट पहले मेरे को उस कंडीशन में लेके जाना, तो हम इसको रिवर्ट टू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से एक्शन है न्यू वर्चुअल मशीन फ्रॉम स्नैपशॉट, इसी से हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट स्नैप एज टेम्पलेट कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो ये स्नैपशॉट हो गया। दूसरा भी इसी को क्या है, अगर आपको शेड्यूल करना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू स्नैपशॉट शेड्यूल्स। तो अभी कोई भी हमने यहाँ पे शेड्यूल नहीं लगाई है, अगर आप न्यू करना चाहें तो इसको न्यू करके यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप डेली स्नैप करके। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सी किस चीज़ को आप, कौन सी वर्चुअल मशीन को आप यहाँ पे स्नैप लेना चाहते हैं, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब पूछ रहा है डिस्क ओनली स्नैपशॉट और डिस्क एंड मेमोरी स्नैपशॉट, तो आप कोई चूज कर सकते हैं। इस पर रिक्वायरमेंट तो हम यही वाला करते हैं सपोज। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ पे आप डेली स्नैपशॉट कितने बजे, यहाँ पे टाइम और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड स्नैप, सो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे आर्ली लगा सकते हैं लाइक 15 मिनट में, और डेली डेली ठीक रहता है ये, रात को 12 बजे होगा ये, इसको नेक्स्ट कर देंगे, रिफिनिश हो गया। तो हमने इसको भी शेड्यूल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको अब हम रन नाउ भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ से, उसको कुछ चेंज करना हो यहाँ पे, वर्चुअल मशीन कौन सी, स्नैपशॉट टाइप, स्नैपशॉट शेड्यूल का टाइम, ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शो रन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं है। और इसके बाद में आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा असाइन अ शेड्यूल, असाइन टू स्नैपशॉट शेड्यूल, जैसे कि डेली एक मैंने बनाया है, तो किसी भी वर्चुअल मशीन पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो एक ही वर्चुअल मशीन है हमारे पास में, और अगर आप यहाँ पे करें तो न्यू शेड्यूल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इसी पे एप्लीकेबल है इस वर्चुअल मशीन पे। इतना। अब इसके अलावा आई होप कि स्नैपशॉट आपको मैंने क्लियर कर दिया बड़े आसानी से, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए आपको अगर कुछ इंस्टॉल सिट्रिक्स भी हम जो वर्चुअल मशीन के टूल्स इंस्टॉल करना होता है, आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे राइट यहाँ पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे शायद देखिए एक डिस अटैच होगी इस पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिस अटैच होगी, अब इसको हम इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद में इसमें ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। जनरल मैंने बता दिया मेमोरी, मेमोरी अगर आपको इंक्रीज करना हो, अभी 4 GB है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। सेट अ फिक्स्ड मेमोरी ऑफ, अभी तो 4 GB ही है, आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अवेलेबल रहेगी तो इधर आएगी, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। तो इसका कंसोल कहाँ गया, ये रन करके आ रहा है, इसको रन कर देंगे हम। जेन सर्वर विंडोज मैनेजमेंट एजेंट सेटअप आ रहा है, मैनेजमेंट सेटअप, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको एग्रीमेंट, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। सब एक बार देखना था वहाँ पे क्या है, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। तो ठीक है, आप अगर इसको सीख रहे हैं तो आपका देख लीजिए। और मेमोरी दिखा दिया, स्टोरेज, स्टोरेज में देखिए यहाँ पे अगर हमको फिर से ऐड करना हो सपोज, ठीक है, तो अभी ये इसका लोकल स्टोरेज दिखा रहा है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हमको कुछ और ऐड करना हो तो उसका नाम दे देंगे, और इधर पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए ये हमारा स्कजी है, ठीक है, स्कजी तो यहाँ पे हमको कुछ विजिबल नहीं है, और इसको नाम दे देंगे आप फिर से, आप 2020 कर दीजिए, और ये लोकल स्टोरेज को ही है, इसको साइज भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अटैच डिस्क करना हो तो अटैच करेंगे तो ये वाली डिस्क भी हमको जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये डिस्क अटैच करना हो यहाँ से कोई एक, तो वो भी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको दिखा रहा हूँ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में अगर कोई इंटरफेस ऐड करना हो तो देखिए अभी एक इंटरफेस है। आपकी मशीन में अगर मल्टीपल हमको इंटरफेस है, नेटवर्क कार्ड है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। मैक एड्रेस आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज़ दिस मैक एड्रेस करके। ठीक है, तो वो कुछ हम अभी कर नहीं रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कितने किलोवाट देना है, KB करके, वो भी कुछ नहीं करना, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्नैपशॉट ये मैंने दिखा दिया, और इसमें क्या बचा, राइट क्लिक करेंगे,
ये इतनी चीज़ें हो गई, ये आगे की वीडियो में देखेंगे जब ये हमारे पास लाइक इसको भी आप अगर देखना चाहें वी ऐप, अगर कुछ ऐड करना हो वर्चुअल ऐप, तो उसका हम यहाँ पे नाम दे देंगे। लाइक मैं दे रहा हूँ एक्स वाई जेड करके मैंने दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं किस मशीन को देना है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्टेड है वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्फिगर द स्टार्टअप सिक्वेंस, यहाँ पे सिक्वेंस कॉन्फिगर करना है, करना पड़ता है, तो मैं इसको एक कर दिया मान लीजिए मैंने, और इसको नेक्स्ट कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। तो इसको भी हम इस तरीके से कॉन्फिगर कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे अगर हम फिर से जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये फिर से ये दिख गया कि हमने यहाँ पे एक वर्चुअल ऐप का सीक्वेंस लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी, वर्चुअल ऐप वाले तो आगे आगे की वीडियोस में पता चलेगा। और अब हम इसको कंसोल में जाते हैं, तो देखिए ये इसको यस करते हैं, इंस्टॉल हो रहा है ये, तो विंडोज मैनेजमेंट एजेंट है ये, सिट्रिक्स वी सर्वर विंडोज मैनेजमेंट एजेंट, तो इसे कम्युनिकेट करने के लिए है ये। देखते हैं क्या आ रहा है। अब इसको फुल स्क्रीन पे भी ले जा सकते हैं, ये फुल स्क्रीन आ गया इसका, निकलना हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया ये स्टार्टिंग, कुछ सर्विसेज वगैरह स्टार्ट होंगी। ऑलमोस्ट डन, देखिए हमें इधर कुछ मिलना चाहिए, ऑल प्रोग्राम अभी क्रिएट नहीं हुआ इसका कुछ भी स्नैपशॉट, तो ये फिनिश हो गया, इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। रीस्टार्ट के लिए पूछा, रीस्टार्ट कर देंगे। तो जब तक कि मशीन रीस्टार्ट होती है, तो गाइस ये मशीन रीबूट हो गई, ठीक है। विंडोज 7, इसको भी मैं फिर से फुल स्क्रीन करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे जाएंगे आप तो क्या मिल रहा है हमें। इंस्टॉलिंग ड्राइवर करके आ रहा है कुछ, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ये। अभी और क्या आ गया है, फिर से एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट लेटर करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होंगी इससे। और स्टार्टअप में जाएंगे तो ये तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही आइटम दिख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। कंप्यूटर पे जाते हैं अपन सी ड्राइव पे, और प्रोग्राम फाइल पे देखते हैं, प्रोग्राम फाइल कॉमन फाइल ये तो सारी चीज़ें हैं। सिट्रिक्स का दिख रहा है यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया है टूल, ठीक है। तो इसमें इसका पूरा का पूरा डेटा आ गया है, आप यहाँ ढूंढेंगे कुछ तो मिलना चाहिए, वैसे कुछ नहीं मिल रहा। शायद एक बार फिर से रीबूट करना पड़ेगा हमको, आएगा कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे क्योंकि वो सेटअप फाइल है, तो रीबूट करेंगे तो पक्का आएगा। तो गाइस इतना आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है ताकि ये दूसरों तक पहुंचे। और अगले वीडियो में हम आगे केस में देखेंगे चीज़ें कैसे कॉन्फिगर करते हैं। सो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।